आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। और जैसे 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज तालिबान भी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और वो अफगानिस्तान में। अगर आप देख नहीं रहे हैं ट्विटर और न्यूज़ चैनल को, तो ये भी जान लीजिए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हमारे पास एक, क्या कहें उसको, मानद या ऑनरेरी संघी साहब हैं, हम उनसे चर्चा करने जा रहे हैं। और आप सभी का स्वागत है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और हमारा सपोर्ट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर विजिट करके यदि उचित समझे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, और राहुल रोशन जी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे। राहुल रोशन जी, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्वघोषित संघी हैं जिन्होंने कभी किसी शाखा को अटेंड नहीं किया। तो अब राहुल जी, अब चूंकि आपने ये स्वघोषणा कर दी है, सेल्फ प्रोक्लेमेशन कर चुके हैं आप, आप संघी हैं यद्यपि आप शाखा में नहीं गए कभी, तो आपको कोई मानद पहचान पत्र इत्यादि मिल गया है क्या? आप पूरी तरह से नहीं, जैसा आपने कहा, मैं तो स्वघोषित हूँ, स्वयंभू जो बोलते हैं वो हूँ। तो अभी जो शुरू में आपने कहा था, ऐसा कोई ऑनररी मेंबर नहीं हूँ मैं। ऑनररी मेंबर में तो होता है कि जब दूसरे तरफ के लोग आपको बुलाकर आपको सर्टिफिकेट दें, तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हाँ, ये किताब मैंने लिख दी और अपने आप को संघी बोल दिया, और इसलिए बोला क्योंकि बाकी लोग कहते रहते थे कि भाई तुम तो संघी हो। जैसे 2013, 2014, 2015, 2016 जैसे जैसे चीजें बढ़ी और मैं कुछ कुछ चीजों पे मुखर होता गया, तो भाई मुझ पे संघी होने का तमगा, इल्जाम या जो कहें वो लगाया जाने लगा। तो जब ये लेबल चिपका दिया गया, तो मैंने कहा चिपके रहने दो, अच्छा लग रहा है, अब इसको मैंने अपना ही लिया। लेकिन जो असल संघ वाले हैं, जो शाखा जाके संघी बनते हैं, उन्होंने ऑब्वियसली, उनकी तरफ से मैं संघी नहीं हूँ। उनसे मेरी किताब के जो लास्ट आखिरी के पन्ने हैं, उसमें तो जो मैंने संघ पे टिप्पणी की थी, वो 2020 में ही मैंने ये किताब खत्म की थी, यानी अब तो साल भर से ऊपर हो गया। तो वहाँ मेरे क्या उनसे थोड़े मतभेद हैं वो भी लिखा था, और साथ में ये मैंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ अपने आप को संघी क्योंकि बाकी लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मुझे कोई ऑनररी मेंबरशिप नहीं मिला है या कुछ इस तरह की चीज नहीं हुई है। लेकिन अभी तो स्थिति विचित्र इसलिए है क्योंकि अभी तो आपको एक तरफ वाले, लेफ्ट वाले जो हैं, वो आपको संघी कहते हैं, और लेफ्ट वाले जो हैं वो संघ से रुष्ट रहते ही रहते हैं, इसमें तो कोई विचित्र बात नहीं है, कोई अनायास भी नहीं। लेकिन अभी तो संघ ने कुछ ऐसा बीड़ा उठाया है कि उससे जो है वो, जो उनकी तरफ वाले हैं वो भी रुष्ट हो गए। तो मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि आपका डीएनए कौन सा है, लेफ्ट का है या राइट का है या कॉमन है, या आप भी संघ की तरह मानते हैं कि आपकी सबका डीएनए एक है और आइडियोलॉजी डज नॉट मैटर? नहीं, ये मेरा डीएनए क्या है, ये तो सवाल बड़ा ही मैं यूं कहूं कि गूढ़ किस्म का है। अब इसके पीछे आपके क्या क्या मंशा है, तो वो जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैं क्या बताऊं कि मैं अपना, मतलब आप मेरी विचार इस्लाम को लेकर या मुसलमानों को लेकर क्या है, उससे जुड़ा ये सवाल है, या फिर मैं रिलीजियस एथनो रिलीजियोसिटी को किस तरीके से देखता हूँ उस पर ये सवाल है। तो ये जो आप ट्रिक क्वेश्चन जो आपने जर्नलिस्ट की तरह पूछा है, तो मैं उससे बचते हुए राहुल गांधी की तरह उल्टा क्वेश्चन पूछूंगा कि इससे आपका मतलब क्या है। पहले आप ये बताइए कि ये सवाल के पीछे छुपा क्या है, कौन सा सवाल? आपने तुलना उचित नहीं की है, क्योंकि यदि आप राहुल गांधी होते तो आप इसका तुरंत उत्तर दे देते कि आप जो है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी का तो उत्तर, आप उनसे कोई भी सवाल पूछे उनका उत्तर तो यही होता है। तो इसलिए एक तो मैं आपको राहुल रोशन की जगह राहुल गांधी का दर्जा देने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ।
बहुत मैं बहुत आपको छोड़ता शुक्रिया हूँ। जी। तो लेकिन फिर भी ऐसे मैं कहूंगा कि मतलब अगर मतलब या तो अगर आपका ये पूछने का मतलब है कि मतलब हिंदू मुस्लिम रिलेशन कैसे हो, जो संघ जैसा सोचता है, खास करके सरसंघ चालक की जो अब तो महीने भर से ऊपर हो गया मुझे लगता है जो बयान आया था, उस पे मैं सहमति रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, अगर वो सवाल है तो फिर मैं वो बताऊं, या फिर अगर कुछ और है चलिए तो आप वही बता बता दीजिए, वही बता दीजिए। राहुल गांधी का तो नहीं आपके, राहुल गांधी के विषय उनके जो वो समझ में आए वो बता दो, आप वही बता दीजिए। चलो मतलब आप मेरे को राहुल गांधी बना के ही छोड़ेंगे आपने स्वयं कहा मैंने नहीं देखिए, वो जो बात सरसंघ चालक ने कही थी और उसमें से एक सेंटेंस काफी यही समान डीएनए, और एक सेंटेंस नहीं, दो तीन चीजें और भी थी, वो वहीं से लेके एक तरीके से तब से बहस छिड़ी हुई है। मतलब कि क्या संघ का जो रुख है मुसलमानों को लेकर, या यूं कहे इस्लाम को लेकर, उसमें वो कितना सही है कितना गलत है, या यूं कहें कि वो शॉर्ट साइटेडनेस तो नहीं है संघ की, ये बहस चल रही है। और एक्चुअली ये तो मतलब महीने भर पहले से ये मुखर तरीके से और काफी ज्यादा चल रही है इंटरनेट पे। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने अपने बुक के आखिरी में भी यही लिखा था कि जैसा संघ को बताते हैं कि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ये फासिस्ट है और ये है वो है, या जैसे कि मुसलमानों से तो इसको घृणा होगी, जैसा लेफ्ट अमूमन संघ के बारे में या हिंदुत्व के लोगों के बारे में पेंट करता है, वैसा तो संघ एक्चुअली जितना भी मैं जितना इंटरेक्ट किया लोगों से, ऐसे संघियों से जो शाखा गए हुए हैं, उसमें मुझे खुद ऐसा नहीं लगा। तो सरसंघ चालक जी का जो ये बयान आया उससे मैं बड़ा शॉक्ड नहीं हुआ, और एक तरीके से वो चीज मैंने अपने बुक में भी लिखी है कि जब आप जो फाउंडर हैं हेड गेवार जी, उनकी जब आप चीजें पढ़ते हैं जहां उन्होंने साफ लिखा है कि भारत का जो पहचान है, या यूं कहे कि जो आत्मा है, वो हिंदुत्व पे बसी है और इसके लिए इसकी रक्षा करना जरूरी है, तो वहां से लेकर संघ हाल फिलहाल में मॉडर्न टाइम्स में, पिछले एक महीने की बात नहीं कर रहा, पिछले मैं तो कहूंगा 30-40 साल से एक्चुअली संघ का ये जो एटीट्यूड है, या यूं कहें कि ये जो अप्रोच है हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप को लेकर के, वो नया नहीं है, ये तो आज इंटरनेट का जमाना है तो ये बखेड़ा खड़ा हो गया और शायद होना 93 भी से चाहिए है था। बेसिकली, पोस्ट 92 जो है वो एक हाँ डिफेंसिव और अपोलोजिटिक अप्रोच आई है पोस्ट 92 से, हाँ अब जैसा और ये मैं 93 में इन लोगों ने वो क्या बोलते हैं वो समादर समिति, एक वो क्या अच्छा तो समादर आप मंच बनाया था, हाँ और तो आपने समादर कुछ मंच से कहा ये कार्यक्रम आरंभ हुए थे जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन शो किए गए थे, और वो संभवतः सीडिंग इसलिए हुई थी कि ये दिखाना चाहते थे कि नहीं वो जो 92 वाला जो कांड हुआ है उससे। ये दो तरह की अपॉलोजिया आई हैं संघ में, एक तो आई थी महात्मा गांधी की हत्या के बाद में और हाँ दूसरी आई है बाबरी के बाद में। तो लेकिन और देखिए आपको वही दोनों, ले इन जाता है पीछे। दोनों दोनों ही जो इवेंट मैं हैं एक एक मिनट दोनों पूरा कर लूं, क्योंकि मैं हाँ आपको, आपने जो सेल्फ आइडेंटिफाई किया और जो आपका जो लास्ट चैप्टर है उसके साथ इसको हाँ जोड़ता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमने पूरा कार्यक्रम किया था कि क्या इश्यूज हैं, ये एक नहीं है बहुत सारे हैं इसमें। इसमें जो है वो संघ की जो सनातन धर्म की दृष्टि क्या है वो भी उसके अंदर सम्मिलित है आगे, क्योंकि कई बार कहते रहते हैं कि साहब की हमें जो है वो देवी देवताओं को छोड़ देना चाहिए, इस तरह की आर्य समाजी टाइप की बातें उस टाइप की भी आ जाती है, और फिर और भी कई सारे कंफ्यूजन्स कि साहब सर्वधर्म संभाव और इस तरह की बातें जो हमें पता है आइडियोलॉजिकली, हम और आप तो बात करते ही रहते हैं, आपके यहाँ जितने लेख छपते हैं और हमारे यहाँ जितने एपिसोड होते हैं उसमें काफ़ी इन विषयों पर एक तरह से मैं कहूँगा कि एका जैसा है। लेकिन जो आपने जो पांच ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं और उन पांच ग्रुप को आपने बोला है हॉस्टाइल, कॉन्डिसेंडिंग, इंडिफरेंट, सपोर्टिव और असर्टिव, तो आपने उसमें ये भी कहा है कि जो हॉस्टाइल और कॉन्डिसेंडिंग ग्रुप हैं
उनके ऊपर आप अननेसेसरीली कॉन्सेंट्रेट करें, उसे कुछ नहीं होगा, वो हॉस्टाइल और कॉन्डिसेंडिंग ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्डिसेंडिंग जो है वो थोड़े इनडिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हॉस्टाइल का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपने जो अप्रोच रिकमेंड की है वो आपने कहा कि भाई सपोर्टिव और असर्टिव जो है उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें और इनडिफरेंट को सपोर्टिव और असर्टिव में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। मुझे लगता है ये जो आपका जो ये विचार है वो काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी रैशनल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो संघ के जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो मैंने 4-5 आपको अभी लिस्ट आउट किए, ये तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरह से हॉस्टाइल ग्रुप को और कॉन्डिसेंडिंग ग्रुप को एड्रेस करते हुए हैं, और इससे जो सपोर्टिव और असर्टिव ग्रुप्स हैं उनके इनडिफरेंट होने का एक संकट सा उत्पन्न हो जाता है। जी मैं कहूंगा कि हाँ, ये थोड़ा ये डर तो है, हालांकि बिल्कुल ही वो हॉस्टाइल या जो कॉन्डिसेंडिंग है उनके लिए ही बिछ जाते हैं कि बस ये जो कहें वही हम उनको सुने और उनसे ही वार्तालाप करें। इतना तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि जो गैदरिंग थी, अगर सिर्फ उस इवेंट की ही बात करें जहां से ये लेटेस्ट बखेड़ा शुरू हुआ है, तो वो एज सच कोई तबलीगियों की गैदरिंग या इस तरह की तो नहीं थी, आम मुसलमानों की गैदरिंग थी और वहां उन्होंने इस तरह की चीजें बोली। अब सारे के सारे हर एक मुसलमान को हम हॉस्टाइल कैटेगरी में ही डाल दें, वो तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। अब वो एक अलग बहस है, हो सकता है इसी बात हम जो ये जो आज चैट कर रहे हैं उसमें आगे हम उस पर बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों से बात करना बाई डिफॉल्ट इज टॉकिंग टू द हॉस्टाइल कैटेगरी, जैसा कि मैंने डिफाइन किया है। हाँ, जो इस्लामिस्ट है, जो वो मेंटेलिटी है, उसको आप ये समझते हैं कि वहां आप बातचीत करके उनका कोई हृदय परिवर्तन कर देंगे, तो वो तो मुझे लगता है टाइम बर्बाद करने वाली बात है, वो तो नहीं हो पाएगा। अभी अफगानिस्तान में देख लें, 20 साल से मतलब अमेरिका जैसा पावरफुल नेशन जब कुछ नहीं कर पाया, और 20 साल से उनकी मतलब एक तरीके से दबी हुई भावनाएं जो थी वो आज भी जिंदा है, और आज एक महीने के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, तो इससे तो लगभग यही पता चलता है कि भाई इनको तो आप फोर्स से ही, जो ये इस्लामिस्ट मेंटेलिटी है, इसको आप फोर्स से ही टैकल कर सकते हो, वार्तालाप और इन सब से तो कुछ होने ही वाला नहीं है, कैरेट एंड स्टिक से तो पता नहीं कुछ होगा ही नहीं, और चाइना जैसा कर रहा है। तो जो इस्लामिस्ट मेंटेलिटी है वो एक अलग चीज है, लेकिन भले ही इसके लिए मुझे यूं ये कह दिया जाए कि मैं भी संघ की तरह ही कुछ स्वप्न देख रहा हूं या जो भी है, लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि नहीं, कम से कम भारत में हर मुसलमान को हॉस्टाइल कैटेगरी में रखना मुझे लगता है वो सही नहीं है, और वो ग्राउंड लेवल पे वैसा रिफ्लेक्ट करता भी नहीं है। हालांकि टाइम बड़ी जल्दी से खिसक रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे अब अगर आप 80s, 90s या 70s की बात कर लें से लेकर आज तक 2020-21 के जमाने में जब हैं, तो ये जो इस्लामिस्ट मेंटेलिटी है ये तो और प्रखर और मुखर होती जा रही है उनके तरफ, ये तो मानना पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वो हॉस्टाइल कैटेगरी में जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर कोई डेटा नहीं है, हम आप सिर्फ बहस कर सकते हैं। अब कोई मार्केट रिसर्च कंपनी हो ढंग की जो कि जाके वो करके आए, सर्वे करके आए और पता करे कि हाँ भाई इनमें से कौन किस कैटेगरी में है। अब जैसे प्यू रिसर्च का भी सर्वे आया था हाल फिलहाल में, तो उससे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि है ना कि सारे मुसलमान वैसे सोच वाले नहीं हैं, कईयों को हिंदुस्तानी कल्चर और इन सब पे भी उन्होंने कहा कि उनको गर्व है, लेकिन अब उस पर कौन सा नंबर हम डालें ये समझ में नहीं आ रहा। प्यू रिसर्च के भी जो नंबर्स हैं उसको मैं ब्लाइंडली मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी इनकॉन्सिस्टेंसी दिखती थी। तो पर खैर जो भी है, लेकिन ये तो है कि सारे मुसलमानों को हम हॉस्टाइल कैटेगरी में खड़ा कर दें, ये सेल्फ डिफीटिंग होगा, और उसके बाद अगर कर भी दें, अगर मान भी लीजिए कि वही सच है, तो फिर आगे क्या, वो सवाल उठता है। तो एनीवे, तो इसलिए हाँ, जो मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे नहीं लगता कि जब सरसंघ चालक ने वो बात कही और जिस गैदरिंग में वो कही, तो उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि वो जो हॉस्टाइल कैटेगरी वाले हैं या जो
कॉन्डिसेंडिंग कैटेगरी वाले हैं, जो सो कॉल्ड खान मार्केट लिबरल गैंग जो हुआ, संघ उनकी तरफ देखता है और उनसे कोई वैलिडेशन सीख करता रहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ एक ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पे हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा लगता है। बीजेपी के बारे में शायद हम ये ज्यादा कह सकते हैं कि उनके नेता वगैरह में कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन संघ अगर उनसे वैलिडेशन सीक करने की कोशिश करता रहता तो इनपे एक तरीके से जो एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म का ठप्पा हर तरीके से जो लगा हुआ है वो इतना नहीं रहता कि भैया अगर 50-60 साल में कहीं तो जाके ये एक आध बार चाय पी लेते ना खान मार्केट में जाके, कुछ तो साथ में कर लेते, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इतना ये अपने रिसोर्स उसमें झोंकते हैं कि जो हॉस्टाइल और कॉन्डिसेंडिंग कैटेगरी जो मैंने रखी है उनके पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, ये मेरी बिल्कुल शिकायत है और जहां मैं और आप बिल्कुल एक तरीके से सेम पेज पे होंगे कि वो जो लीडरशिप की जो अपेक्षा है, जो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो आप असर्टिव हैं और जो जो वो कैटेगरी है सपोर्टिव और असर्टिव, मेरी कैटेगरी आप, मैंने जो कैटेगरीज दी वो आपको बेहतर से याद है, बताइए। तो उनको जो लीडरशिप प्रोवाइड करने की जो अपेक्षा है कि संघ वो करे, उस पे संघ कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके लिए, इनफैक्ट वो खुद ही कहते हैं कि हम रेडी नहीं है, है ना, कि वो एक उन्होंने एक विचार बना रखा है कि हमारा काम है व्यक्ति निर्माण और समाज में समरसता रहे, इसके आगे हम नहीं करेंगे। तो वो चीज मुझे, मैंने तो मतलब ये सब बखेड़ा हुआ उसके पहले ही लिख रखा है वो किताब के आखिरी में नोट में, कि वो चीज समझ में नहीं आती कि अगर मान लीजिए संघ इसी विचार से बना भी था कि हम सिर्फ व्यक्ति निर्माण करेंगे, तो शायद आज की जरूरत को समझते हुए उनको वो चीज शायद चेंज करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी को एक कम्युनिटी लीडरशिप की जरूरत है। और जो गलती हमने 75 साल पहले की, या यूं कहें 100 से 75 साल के पहले की, यानी जो पार्टीशन तक जो कि हमारी हालत हुई, उसमें यही था कि शायद हिंदूज की कोई कम्युनिटी लीडरशिप नहीं थी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो कि अधिकतर कांग्रेस के लीडर थे, और उस पॉलिटिकल लीडरशिप जो हिंदुओं की पॉलिटिकल लीडरशिप थी कांग्रेस में, उसका क्या हुआ वो आप देख सकते हैं कि गांधी जी आए, उन्होंने खिलाफत को सोचा कि ये साथ में रहेंगे, नेहरू और क्या क्या, नेहरू को तो खैर वो तो अपने आप को हिंदू इतना मानते भी नहीं थे, लेकिन लबोलबाब कांग्रेस एक तरीके से हिंदू पार्टी कही जाती थी उस जमाने में, हिंदुओं के अधिकतर लीडर्स कांग्रेस में थे, और नतीजा ये हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, हमारे हमारे हाथ से जमीन गई, हमारे हाथ से पावर गया, ये सब हुआ। ये वापस ना हो, इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप तो खैर अपनी जगह है, हिंदूज को एक कम्युनिटी लीडरशिप चाहिए, और वो लीडरशिप कहाँ से आएगी, क्योंकि हिंदुओं में इतने तरह से संप्रदाय हैं, इतने अलग अलग विचार हैं, जैसे शुरू में ही आपने कहा था कि आर्य समाज से लेकर अलग अलग तरीके की पंथ है और संप्रदाय हैं, तो इनमें से कोई कॉमन लीडर कम्युनिटी लेवल पे कैसे बन के आए, क्या शंकराचार्य हों वो या कौन हो, कुछ समझ में नहीं आता। और उसमें से मैंने कहा था कि चलो अगर संप्रदाय के कारण कोई लीडरशिप नहीं आ पा रही, तो क्या संघ को वो रोल ले लेना चाहिए कि वो कम्युनिटी लीडरशिप करे, और जो पहले जो चीजें हिंदू भुगत चुके हैं वो वापस रिपीट ना हो, ये अपेक्षा हमारे जैसे लोगों की, कम से कम जब मैंने किताब लिखी थी संघ से थी, जो कि संघ लगता है कि उस चीज को उतना तरजीह नहीं देता, या उनका अपना अपने अपना सोच है। अब ये तो यहाँ हम दोनों के बीच कोई और एक तीसरा संघ के रहते वो अगर बता पाते कि भाई उनका क्या सलूशन क्या होगा कि हम वापस पार्टीशन टाइप की कोई चीज फिर से उस लेवल पे हम ना पहुंच जाएं, उस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होना चाहिए, ये तो अब संघ ही बता सकते, वही लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, किताब में मैंने ये लिखा था कि वो लीडरशिप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि संघ प्रोवाइड करे, वो क्लैरिटी वो प्रोवाइड करे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि वो लीडरशिप जो कम्युनिटी लीडरशिप का, उसका निश्चित रूप से एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन होने का कारण ये है कि यद्यपि संघ कहता अवश्य है कि वो व्यक्ति निर्माण करता है, लेकिन हम सब जानते हैं, हमारा और आपका व्यक्तिगत अनुभव है ये, कि जब चुनाव होते हैं
संघ वाले जितने भी लोग होते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, जो हमारे आपके तो प्रचारक इत्यादि भी जानकार हैं, वो सब बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। तो वोट मांगते समय तो ये बात कहीं दरकिनार कर दी जाती है और उस समय व्यक्ति निर्माण जो है वो नेपथ्य में चला जाता है, लेकिन जब कोई हम उनसे किसी प्रकार की आशा प्रत्याशा रखते हैं तभी आ जाता है कि साहब हम तो व्यक्ति निर्माण करते हैं। अगर आपको भी पता है होगा शायद, और हमारे आपके एक जो जानकार हैं हमारे दोनों के, उनको सरसंघ चालक जी ने स्वयं कहा था कि हमने कोई हिंदुओं का ठेका ले रखा है। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तब ये लगता है कि कहीं पर कंफ्यूजन है। दूसरी बात मैं इसी में करता हूँ, तथ्य आपके सामने, बिल्कुल ये तथ्य परक बात है, वो ये है कि पाकिस्तान का विभाजन जिस मानसिकता ने किया था वो मैंने कैटेगराइज कर रखी है, वो अशराफ मुल्ला मौलाना, मेरी पुस्तक आपने देखी है उसमें भी पूरी तरह से उसको डॉक्यूमेंट करके और डॉक्टर अम्बेडकर के एंडोर्समेंट के साथ मैंने वो पूरा प्रस्तुत किया है। न केवल डॉक्टर अम्बेडकर का, उसमें संघ के स्वयं एक बड़े मूर्धन्य चिंतक और सरकारवाह 12 वर्ष तक रहे हुए शेषाद्री साहब ने, HV शेषाद्री साहब ने, उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तक ट्रेजिक स्टोरी पार्टीशन उसमें लिखा है। तो ये जो AMM लीडरशिप है ये मुश्किल से 5-7% है मुस्लिम्स की, और संघ ने प्रवर्तन किया समादर समिति का। समादर समिति का जब उद्घाटन कराया गया तो वो कराया गया वहीदुद्दीन खान साहब से, जो वहीदुद्दीन खान साहब जो है वो जो तबलीगी आपके क्या है ये तबलीगी वाला जो ये इनका सेक्ट है उसके भी प्रणेता, उसके एक मेंटर कह सकते हैं, उसके आप उनको गाइड कह सकते हैं, उसके मानस पुरुष कह सकते हैं, उसके प्रोपेगेंडिस्ट भी हैं वो, और एस मतलब टॉप क्लास अपोलॉजिस्ट और टॉप क्लास अशराफ मुल्ला मौलाना भी हैं वो, AMM टॉप क्लास उनको चुना गया। खैर उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने क्या किया आप जानते ही हैं, उन्होंने तो ये भी धमकी दे दी कि हम अरब वालों को बुला लेंगे। ये बात अलग है कि अरब वाले तो यहाँ से मार के भगा दिए गए थे, ये तो तुर्क थे, उन्होंने आके हमारी दुर्दशा की तुर्कों और अफगानों। फिर उसी समादर समिति में अभी पहले इसको ले लेते हैं, फिर वो जो समस्याएं हैं जो 5-7 कन्फ्यूजन्स हैं वो भी मैं लिस्ट आउट कर दूंगा। फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में जो भी उनके सदस्य हैं वो मुख्यतः सारे के सारे यही अशराफ मुल्ला मौलाना क्लास से आते हैं। तो मुझे इसमें बड़ा विचित्र लग के तो मैंने अपने जो संपर्क थे उनके माध्यम से, उन्होंने बल्कि स्वयं कहा, क्योंकि मैंने 2-3 कार्यक्रम कर दिए उनके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि भाई उनको भी बुलाइए, उनका बिल्कुल स्वागत है। तो उनके जो नेशनल कन्वीनर हैं शाहिद अख्तर साहब झारखंड के हैं, झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, उनको बुलाया मैंने और उनको बैठा ला। एक पसमानदा एक्टिविस्ट हैं फयाज अहमद साहब, मेरे ख्याल से अब वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, आप भी जानते हो, उनके साथ में उनको बैठा ला। तो जो बेस्ट स्टेटमेंट उनका आया वो उन्होंने कहा कि MRM इज बाय द मुस्लिम्स, ऑफ द मुस्लिम्स, फॉर द मुस्लिम्स। Okay. मुझे पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है कि ये ओरिजिनल स्टेटमेंट किसका है। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट मुस्लिम लीग के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना का है। जब ये स्टेटमेंट आया तो फिर उसके ऊपर मैंने काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, आप कह सकते हैं कि साहब ये क्या है। और उसके कुछ ही दिन बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ही एक कार्यक्रम में एक दूसरे अशराफ मुल्ला मौलाना, उनकी पुस्तक जो मैंने पढ़ी तो पाया कि वह पूरी तरह से जो वाइट वॉशिंग का काम, जो इस्लामी अत्याचारों का, जो इस्लामी इतिहास का, जो इस्लाम का जो एक क्रूर इतिहास है उसकी लीपापोती का काम उस पुस्तक में हुआ है। और जब उसके एक्सेप्ट्स निकाल के मैंने आलोचना आरंभ की तो मुझे ये बताया गया कि साहब वो तो उन्होंने पढ़ी थोड़ी है। तो ये मैं फैक्ट रख रहा हूँ आपके सामने। तो ये आप यदि अशराफ मुल्ला मौलाना को
मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, जो कि उनके यहाँ जो तकलीद का सिद्धांत है उसके सहारे, क्योंकि अकल का इस्तेमाल वर्जित है ये एलीट के अलावा, अशराफ मुल्ला मौलाना के अलावा, ये सिद्धांत है वरना अल्लाह नाराज़ हो जाता है, उसके सहारे जो बाकी 95% को फुट सोल्जर बना के हाँकते हैं, उनको तो आप स्थान दे रहे हैं, उन 95% को आप पूछते नहीं। वो स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है। और उसके बाद वो क्या लिख रहे हैं, आपसे क्या कहलवा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने AMU में जाके स्टेटमेंट दिया कि AMU वॉज द एपिसेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, इट वॉज बट नॉट ऑफ इंडियाज नेशनल मूवमेंट, इट वॉज एन एपिसेंटर ऑफ पाकिस्तान्स नेशनल मूवमेंट, अनदर फैक्ट। तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमें ये लगता है कि साहब ये होस्टाइल ग्रुप को ही केटर कर रहे हैं, ना कि कॉन्डिसेंडिंग या इंडिफरेंट, या अगर आप पसमानदा समाज को केटर करें, पसमानदा समाज मैं मानूंगा कि अधिकतर इंडिफरेंट और कुछ कॉन्डिसेंडिंग में है, होस्टाइल भी कुछ होंगे क्योंकि आखिरकार उनको तकलीफ फॉलो करनी पड़ती है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप इस दृष्टि से जो मैंने आपके समक्ष रखी है उसकी दृष्टि से फिर आप क्या सोचते हैं? नहीं, टेक्निकली आप जो बात कह रहे हैं वो तो उसमें मतलब कुछ है ही नहीं जिससे डिसएग्री किया जा सके। अब इसमें कह मैं यही सकता हूँ कि अब पसमानदा ये वाली जो बात आती है ये तो एक तरीके से फिर से यूं कहें कि हिंदू लीडरशिप की ही फेलियर है कि हम उनकी तरफ से उन लीडर्स को आगे बढ़ा नहीं पाए और उनसे उनको हम एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बना के उनसे बातचीत करें, ये काम बहुत पहले से होना चाहिए था। लेकिन ये जो पसमानदा का हाल फिलहाल में, अब जैसे आपने ही कहा कि वो भैया जी वो जो हैं काफी अब तो वो कई जगह जाने सुने जाने लगे हैं, लेकिन जैसे मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ बिहार में ये पसमानदा शब्द जो है या फिर इस तरीके की राजनीति जो है ये चल रही है, और काफी पहले से जब मुझे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा समझ या जानकारी थी भी नहीं, तब से इस तरह की टर्मिनोलॉजी कम से कम बिहार में तो चलती है। तो वहां पे ये तो नहीं कह सकते कि भाई उनको आगे बढ़ाने वालों में जो आज हम किस्म के जो लोग हैं जो संघ पे कह रहे हैं कि भाई तुम ये चीज नहीं समझते वो नहीं समझते, उन लोग मतलब वैसे लोगों ने तो उनको आगे बढ़ाया नहीं। अगर पॉलिटिक्स में तो भाई इन्हीं लोगों की चलती है ना, अभी आपने खुद ही कहा कि जब इलेक्शन वगैरह आता है तो संघ जो है वो सबके सब बीजेपी हो जाते हैं। तो ये बिहार में जो बीजेपी JDU गठबंधन है उसी ने ये पसमानदा ये जो टर्म है उसको काफी आगे बढ़ाया है, तो वहां भी तो कुछ क्रेडिट देंगे ही। अगर बीजेपी और संघ में कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं है तो अगर इस टर्म को कम से कम बिहार में, तो आई कैन गारंटी कि ये टर्म हाल फिलहाल की बात नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है और वहां पसमानदा लीडरशिप इस तरह की बातें होती रही हैं, और बेसिकली कि मुसलमानों में भी कास्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें ये नैरेटिव चलता रहा है, तो वहां क्रेडिट तो देना ही होगा। लेकिन ये मैं बिल्कुल मानूंगा कि हाँ उस लीडरशिप को आप आगे बढ़ाइए। ये जो आपने ये अशरफ वाली जो बात की, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कौन अशरफ कौन इनमें सब कौन क्या है ये 100% तो आइडिया नहीं है, लेकिन इनमें से आपको की दे दूंगा की उससे आप समझ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन इनमें से ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि इनमें से अधिकतर लोग वो सिंक्रेटिक या गंगा जमुना वाली कल्चर में बाय डिफॉल्ट वो यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट देयर आइडियोलॉजी, वो प्योरिटन जो व्यू है उनका या इस्लाम का वो उसमें फिट ही नहीं बैठता, तो वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली टाइप बात हो जाएगी। ये तो इसमें तो मैं मानता हूं कि अगर आप AMU में जाकर ये सब बातें कहें, लेकिन शायद टारगेट ऑडियंस कुछ इसको दो ही तरीके से आप देख सकते हैं, या तो हमारे लोग भी अल तकिया सीख गए हैं कि भाई आप जाके उनके सामने बोलते हैं लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये भैंस के आपके जो सपोर्टिव असर्टिव है उसके उसके पास क्या मैसेज जाता है फिर। हाँ वो एक अलग है, उसको वहां पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसके लिए ये इनको सोचना चाहिए कि अगर आप अल तकिया कर भी रहे हैं तो भाई वहां तो गलत मैसेज जा रहा है, वो भी आप थोड़ा सुधारने की कोशिश करें। और दूसरा ये हो सकता है कि अब चूंकि अब मुस्लिम वर्ग ही ऐसा है जहाँ की अधिकतर लीडरशिप जो है वो ये अशरफ और इन्हीं तरफ से आ रहे हैं और मजबूरी में आपको उन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स पर जाके बोलना पड़ता है, तो आप जाएं वहां लेकिन बोलें वो जो कि आप
जो एड्रेस्ड हो पसमानदाज के लिए, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं तो और आप कहाँ उन तक कहाँ जाएंगे? आज आज सारे पसमानदा जो हैं उन्होंने मजबूरी में, उनके जो लीडर्स हैं वो यही हैं जो आप बता रहे हैं एएमएम वाले, राइट, और उन्हीं उन्हीं के हाथों में अधिकतर इंस्टीट्यूशंस का कब्जा है। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में जाकर आप ऐसी चीजें बोलें जो कि पसमानदाज को टारगेटेड हों तो उसका भी तो वैल्यू है। लेकिन हाँ, उसका साइड इफेक्ट जो आप कह रहे हैं वो सही है कि फिर बाकियों में जो असर्टिव और सपोर्टिव हैं उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन न क्रिएट हो उसके लिए एक अलग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की जरूरत है, जो कि संघ को या मेरे जैसे संगीज को, जबरदस्ती के संगीज को ये सोचना पड़ेगा कि भाई वो आप न रखें। क्योंकि अगर अगर आपने जो बात कही वो एक तरीके से देखें तो संघ की स्ट्रेटजी से तब तक बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि एक तरीके से आप भी मान रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है सबके सब इस्लामिस्ट मेंटेलिटी वाला नहीं है। और मुझे आपका एक ट्वीट भी याद है कि इस्लाम से लड़ने की जगह आप मुसलमान से लड़ते रहे, जिसको जिसको लेके आप पे भी कई लोगों ने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, वो बात लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन उस बात से मैं बिल्कुल वाकया रखता हूँ, और एक तरीके से देखा जाए तो संघ भी रखता है फिर तो, कि वो भी मानते हैं कि इस्लाम अपनी जगह है, उसमें उसके साथ कंपेटेबिलिटी का अपना इशू है। इस्लाम और हिंदुइज्म का सेम डीएनए नहीं हो सकता, लेकिन मुसलमान और हिंदू का सेम डीएनए हो सकता है। और तो इसको अगर आपकी ही ट्वीट को मैं लूं तो फिर वो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि जो पसमानदा है, जो उस मुसलमान है वहां पे ये जो संघ की जो भी बातचीत है वो वहां पे पहुंचे, क्योंकि कुछ बातें जो है वो बहुत ही बचकानी और बहुत ही अजीब सी लगती हैं मैं मानता हूं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसका भी कुछ वो आ जाएगा, यू नो, यूटिलिटी। अब जैसे संघ ने ही जब कहा था कि अगर क्या कहते हैं कुछ मुसलमान जो हैं वो मुहम्मदिया हिंदू क्यों नहीं हो सकते, है ना, इस तरह की बात वो बहुत पहले से भी कहते रहे ना, सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है। लेकिन मुझे याद है एक बार योगी जी के साथ एक छोटी सी गैदरिंग थी, मतलब ऐसा मेरे लिए कोई स्पेशल गैदरिंग नहीं था, मैं भी वहां पे मतलब उपस्थित था। तो उन्होंने बहुत पहले एक उन्होंने आई थिंक 80s वगैरह 80s के दौर की उन्होंने एक बात बताई कि उनका जो मठ है गोरखनाथ मठ, वहां पे कि कई सारे जो आते थे लोग रोज वहां मंदिर में वो मुसलमान थे। तो एक बार योगी जी ने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि भाई तुम रोज आते हो, ऑलमोस्ट सारे यहाँ के मंदिर में ये जो भी प्रैक्टिसेस चलते हैं उसमें हिस्सा लेते हो, तो तुम लोग हिंदू ही क्यों नहीं वापस बन जाते? तो और पता यूं चला कि उनमें से लोग वो कई सारे तैयार हो गए कि हाँ ठीक है हम बन जाएंगे, तो आप बताइए कि इसको कैसे करना है, इसको आगे हम कैसे फॉर्मली हिंदू वगैरह कैसे बने। तो योगी जी ने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर ये उन्हीं की बताई हुई कहानी है कि उसके बाद जब ये बात फैली उस गांव में जहाँ से ये मुसलमान लोग आते थे यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में, तो वहां कुछ तबलीगी टाइप लोग पहुंच गए और उन्होंने इनको कहा कि भाई तुम अगर हिंदू बन भी जाओगे तो तुम्हारा स्थान क्या रहेगा वापस जब हिंदू बनोगे, तो क्या तुम्हारे जो बच्चे हैं क्या वो ये लोग ब्याह लेंगे अपने में, और हम तो तुम्हें बिल्कुल ब्याहेंगे नहीं कि जब तुम वापस हिंदू बन जाओगे। तो एक तरीके से सोशल ऑस्ट्रसाइजेशन की बात की कि हम तो बिल्कुल, हमारी तरफ से तो तुम्हारा बिल्कुल बहिष्कार होगा और वो तुम्हें अपनाएंगे नहीं क्योंकि वो तो अपनी जात में ब्याह करते हैं। तो ये लोग वापस आए और योगी जी से इन्होंने कहा कि भाई ये एक डर है हमारा, तो आप क्या ये गारंटी या ये आप लोगों से कहवा सकते हैं कि जो हमारे जो बाल बच्चे हैं उनकी शादियां कहीं आप करवा देंगे या कहीं कोई जिम्मेदारी ले ले कोई ग्रुप कि हाँ हम आपसे शादी करेंगे? और योगी जी ने बड़े ही उसके साथ मलाल के साथ कहा कि वो ये नहीं कर पाए। और ये जो भी वो कुछ दर्जनों भर जो परिवार होंगे जो वापस हिंदू बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। तो अब इस तरह के भले ही ये मुट्ठी भर के ही लोग हों, ऐसा आजकल भाई
शर्जिल उस्मानी और शर्जिल इमाम के जमाने में इस तरह के लोग तो खैर रेयर ही हैं, लेकिन भले ही ये मुट्ठी भर हो सकता है गांव कोने में कहीं कहीं आज भी इस तरह के लोग हों, इनको वापस लाने का एक जो बीच का तरीका तो ये हो सकता है ना कि इनका एक तरीके से मोहम्मदिया हिंदू टाइप का एक कास्ट बन जाए, जिसमें ये खुद खुद में ही पहले आपस में थोड़ी शादियां फिर इधर उधर हो, और फिर वो जो है वो जो कास्ट है वो फिर बड़ी जो हमारी हिंदू धर्म है उसमें समाहित हो जाए या जो भी है। तो मतलब एक ये भी तरीका है कि देखने का कि इस तरीके की चीजें जो वैसे तो सुनने में और थियोरेटिकली देखने में बहुत ही बचकानी बात लगती है, क्योंकि इस्लाम और हिंदुत्व में तो कहीं मिलाप इस तरीके से दिखेगा ही नहीं, लेकिन शायद ग्राउंड में आज भी इस तरह की विचित्र रियलिटीज है जहां ये काम कर सकता है। जहां कि मैं आपके वापस फिर उसी ट्वीट की बात करूंगा कि जो जो बहुत ही गुड़ है और उसको भी जो 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 लोग संघ से नाराज हैं उनको भी वो समझने की जरूरत है कि क्या क्या लिखा था आपने कि ये भूल करते रहे, इस्लाम से लड़ना था लेकिन मुसलमान से लड़ते रहे, कुछ इस तरह की जो चीज आपने लिखी थी। तो वहां तो एक्चुअली फिर वहां पे तो मैं कहूंगा कि आपकी और संघ की अप्रोच तो कहीं ना कहीं मुझे मिलती दिखती है। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि आपने जिस तरह से संघ को डिफेंड किया है वो आज तक मैंने किसी भी आरएसएस वाले को करते हुए नहीं देखा, और मैंने बता दिया कि आप में और संघ में एका है। लेकिन 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 तथ्य कुछ तथ्य जो है, मैंने वो कहा तथ्य ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं आप थ्योरेटिकली तो बता रहा हूं कि जो आधिकारिक जो सात सूत्र हैं, ये आधिकारिक जो संघ के अंतर्गत चलते हैं, मेरे पास इसका राइटिंग में हमने डिस्कस भी किया है कॉनराड एल्स वगैरह के साथ। अच्छा, वो सात सूत्र हैं वो क्या हैं मैं फटाफट बोल देता हूँ। नंबर वन, व्हाट इज द हार्म इन एडिंग जीसस एंड मोहम्मद टू द 33 करोड़ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। नंबर वन, ये कहाँ से सूत्र आए हैं? ये आप इसके इनकी पुस्तक है सीताराम गोयल की, विदर संघ परिवार। अच्छा, उसमें श्रीरंग गोडबोले जी ने जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका समय बना के और ओपन लेटर लिखा था सरसंघ चालक को, ये सात बिंदु आए हैं इनका क्लैरिफिकेशन दीजिए, आज तक नहीं मिला, 30 साल हो गए लगभग। नंबर टू, ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम लीड टू गॉड। नंबर थ्री, इस्लाम इज गुड बट मुस्लिम्स आर बैड, मेरा ट्वीट इस संदर्भ में था, उल्टा है। नंबर फोर, इफ मुस्लिम्स आर टोल्ड ऑफ देयर कॉमन एंसेस्ट्री दे विल यूनाइट विद हिंदूज, दिस शोज बेसिक इग्नोरेंस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। नंबर चार जो है, क्योंकि उसमें तो मोहम्मद साहब ने ठीक साफ साफ कह रखा है कि अपने बाप और माँ को भी आप जो है दरकिनार कर दो अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करें। नंबर फाइव, कांग्रेस यूज मुस्लिम्स, कांग्रेस ट्रीट्स मुस्लिम्स एज वोट बैंक्स, वी विल ट्रीट मुस्लिम्स एज ह्यूमन बींग्स। नंबर सिक्स, जिस पर मुझे सख्त एतराज है, सूफीज आर टॉलरेंट मुस्लिम्स। नंबर सेवन, मुस्लिम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेटो मेंटालिटी ऑफ मुस्लिम्स। ये भी इग्नोर करता है ये फैक्ट कि कुरान और हदीस ये खुद कहती हैं कि आपको काफिरों के आसपास नहीं रहना चाहिए, अपने में मिलकर रहना चाहिए। तो ये जो सात जो आधिकारिक रूप से जो चर्चा चल रही है, जिस चर्चा को चलते हुए आई थिंक दिस इज 93 डेट भी है इसके अंदर, सॉरी ये 1996 का है, न्यू दिल्ली 16 अक्टूबर 1996 को ये सर्कुलेट हुआ है, और ये बेसिक जो है ये श्रीलंक पोर्ट बोर्ड ने 1996 में लिया। तो 25 साल हो गए, 25 साल में एक तो क्या है कि ये बहुत समय तक बाहर नहीं आया, बाहर तब आया जब इसके ऊपर पुस्तक लिख दी सीताराम गोयल जी ने, उसके बाद भी बाहर आया तो उसके बाद भी कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब चर्चा होना जब आरंभ हुआ है, तो जब चर्चा होना आरंभ हुआ है तो ये सात बिंदु है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने ट्वीट किया था वो इसको निगाह में रख के किया था, ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको। नहीं, फिर भी बहुत, लेकिन आपका मतलब क्या है कि इस्लाम से लड़ने की बजाय हम मुसलमान से लड़ते रहे वहां और पहले का भी संघ की अप्रोच ये है कि इस्लाम इज गुड
जो जारी बदमाशी है वो कुछ इंडिविजुअल मुस्लिम्स करते हैं, दे आर बैड। मेरा नहीं, अब ये सात बिंदु जो हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो ये संघ से सवाल है कि भैया आप क्लियर करो, ये संघ के तरफ से ये सात डिक्लेरेशन नहीं है, ये उनकी मीटिंग में डिस्कस हुए ना, ये मीटिंग में डिस्कस हुए। वो मुझे देखिए, सीताराम गोयल, मैंने तो अपनी किताब में बोले था, ये स्टेटमेंट है, आज तक इसका कोई डिनायल नहीं है, आज तक संघ ने मना नहीं किया कि उनके बिंदु। संघ की तो थोड़ी एक अजीब सी आदत है, वो भी मैंने ये डाला है कि एक तरफ तो मतलब जो चीजें इनके बारे में बोली जाती हैं मीडिया में या कहीं भी, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा एक्टिवली कुछ डिनाई करें या किसी पे डिफेमेशन करें, ये सब करते नहीं। ये राहुल गांधी पे इन्होंने जो डिफेमेशन किया था महात्मा गांधी के मर्डर के रूप में, आई थिंक वो वन ऑफ द रेयर ओकेजन था जहाँ की संघ ने ऐसा कुछ किया। तो ये तो इनकी एक तरीके से आदत है कि कुछ भी इन पे आप बोलो तो ये डिनायल या इस तरह की चीजें करते नहीं। और उस वो भी मैं मान के चलता हूँ कि वो कम से कम सीताराम गोयल जी जैसे जो लोग हैं, जो आपके अपने आप सोच समझ रखने वाले हैं, और जो किसी बहुत सारी वजहों से जो आपसे नाराज हो गए, कम से कम उनकी अगर कुछ बातें हैं, नाराजगी है, तो उस पे सफाई देनी चाहिए थी। अब मुझे मालूम नहीं, एक तो वही लगता है कि एक तो संघ का वो जो अप्रोच है कि हम पे कितने भी वो लगते रहे लंक्षण या जो भी वो कहते हैं, हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, विच माइट वर्क इन सम सिनेरियो, माइट नॉट वर्क इन यू नो ये। और अब कम से कम इस तरह की जब वॉइसेस काफी बढ़ने लगी हैं, जो सीताराम गोयल जी का जो क्रिटिसिज्म था, अब जब काफी आगे बढ़ने लगी है, तो संघ को सोचना चाहिए कि ये जो सात चीजें लिखी हैं उस पे कम से कम वो कुछ रेस्पॉन्स दें, वो मैं मानता हूँ। जो आपने अगेन विथ अ कैवियट कि मुझे कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, अगर ये सात चीजें हैं तो वो तो ऑब्वियस है कि उसमें से अधिकतर चीजों में मैं तो अग्री कर नहीं सकता। एक दो कोई डाइल्यूशन वाली बात को छोड़ के, अब जैसे इस्लाम इज गुड मुस्लिम्स आर बैड, या फिर इस्लाम इज ऑल्सो अ वे टू रीच गॉड, वो मतलब वो आप ये बेवकूफी भले ही दिमाग में रख के चल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ अचीव होने वाला नहीं है, ये तो मैं साफ साफ गोई से कहूंगा। पर वही है कि सीताराम गोयल जी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में इतने ज्यादा रीडिस्कवर हुए हैं कि अब शायद 90s में संघ उनको इग्नोर कर सकता था, अब शायद वो इग्नोर नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, 100%। हाँ, तो उनको उनको ये शायद वो जहन में बिठा लेना चाहिए कि ये वापस आ गए हैं, अब कम से कम इग्नोर नहीं, एक एक तरीके से बातचीत कर लें। और जहां तक सीताराम गोयल हैं या फिर उनके जो मेंटर हैं रामस्वरूप जी, हाँ, इनका ये दोनों ऑब्वियसली दोनों ऐसे संघी नहीं थे, लेकिन दोनों वेलविशर थे। सीताराम गोयल बाद में फॉर यू नो वेरियस रीजंस, मोस्टली राइट रीजंस, उनको काफी प्रॉब्लम्स रही संघ से, वही सारे फ्रस्ट्रेशंस या एंगर थे जो कि आज जो एक नया राइट है जो बोल रहा है। तो इसको संघ को सोचना चाहिए कि ये जो चीज है, कम से कम वो एक एक गोष्ठी कर ले, एक एक मे बी संघ को सीताराम गोयल मंच या मंथन किस्म का कुछ उनको करना चाहिए, जहां इस तरह की जो बातें हैं उस पे क्लोज डोर में ही सही या कहीं भी वो ये इसको क्लैरिफाई करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि उस वक्त शायद जो वजह रही होगी कि आपने इग्नोर कर दिया, अभी इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, वो सारे क्रिटिसिज्म वापस आ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा उछल कूद के नहीं बोलना चाहता, इसलिए कि भाई मैंने तो खुद ही किताब में लिखा है कि 5-6 साल पहले तक तो मुझे खुद ही इन सब चीजों की समझ नहीं थी। तो और सीताराम गोयल को भी मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया, 2017-18 के आसपास एक्चुअली, और फिर उनकी मतलब वैसे तो मालूम ही था और उनके उनके कुछ कुछ चीजें पढ़ी ही थी, लेकिन क्लोजली उनको समझना या उनके जो संघ से जो नाराजगी थी उन सबको समझना, वो काफी रिसेंटली 17-18 टाइप्स में मैंने उसको वो सारी चीजों को समझा। और फिर मतलब जब मेरी समझ और ये हाल फिलहाल में बनी हुई है, तो मैं संघ पे चढ़ जाऊं और बोलूं कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है,
तो मुझे थोड़ा वो लगता है कि वो नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, वैसे ही वाली बात ना हो जाए। तो भाई ये तो मैं तो सिर्फ आपकी पांच कैटेगरीज के हिसाब से ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जो सपोर्टिव और असर्टिव तो है, डिफरेंट कैटेगरी है, उन पे आप फोकस करने के बजाय आप ऐसो को फोकस कर रहे हो जिनसे कोई किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अंतिम प्रश्न फिर हम ऑडियंस पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न इसी में है, इसी में जो है, जब लिंचिंग की बात आती है, आपकी ऑप इंडिया ने भी मेरे विचार से सेमिनल काम किया है कि ये जो पूरा का पूरा जो लिंचिंग का नैरेटिव बनाया गया था पंचमक्कारों द्वारा, उसको आपने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो चाहे संघ हो या संघ से निकले हुए भाजपा के नेताओं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, वे केवल एक तरह की लिंचिंग की बात करते हैं। जो जिस आख्यान की बात कर रहे हैं उसमें भी यही हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मतलब हजार दोनों में और चीजें हम आप कर लें, लेकिन ये एक्चुअली एक स्पिन है। जो प्रधानमंत्री ने भी जब लिंचिंग की बात जब की थी, तो एक्चुअली उन्होंने वो जो ऊना में बीटिंग हुई थी दलितों की, और उस वक्त एग्जैक्ट याद साल याद नहीं है मुझे, तो उसके बाद जाके उन्होंने ये बोला था। तो उसको, हाँ, जो गोरक्षक वगैरह वाली जो बात आई थी, कि गोरक्षक वाली बात ही थी, नाम लिए थे। हाँ हाँ, तो वो ऊना के बाद, हाँ ऊना के बाद बेसिकली किया था। तो वो तबरेज के बाद हुआ था या नहीं, तबरेज के जो आप स्टेटमेंट देखेंगे वो ऊना, जो गुजरात में बीटिंग हुआ था उसके बाद उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बोला था। तो ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द दलित वोट्स रादर देन द मुस्लिम वोट्स। तो वो तो, और ये जो अभी सर संघ चालक का भी जो लिंचिंग वाला था, इट वाज बैडली वर्डेड, आई मस्ट एडमिट। उसी लाइन में उन्होंने आगे ये भी बोला था कि हालांकि कई सारे ऐसे लिंचिंग्स फेक निकलते हैं, इस पे हम भरोसा भी कैसे करें, ये चीज भी ऐड की थी। लेकिन एक लाइन और ऐड कर देते कि हाँ, जो दूसरी तरफ से लिंच होती है उस पे भी हमें सोचना चाहिए, अगर ये भी ऐड कर देते तो अच्छा होता। हाँ बिल्कुल, तो और उस पे पालघर पे जो, हाँ, जो चुप्पी वगैरह है वो तो अब इस पे तो कुछ देर पहले तो आपने मुझे वो जो तमगा दिया था कि संघ को, मैं संघ से बेटर डिफेंड कर गया, इस पे तो मैं नहीं डिफेंड कर पाऊंगा। चलिए इसी पे फिर हम अब चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस पे। सभी से, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, वहां जाके आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका धन्यवाद होगा। कपिल शर्मा जी, वेयर इज RW इकोसिस्टम फेलिंग? जनरल सा प्रश्न है। हाँ, ये इस पे तो एक घंटा बोला जा सकता है एक्चुअली। बहुत ही जनरल नहीं, जनरल लेकिन बहुत ही गूढ़ सवाल भी है, सबको ये समझने की भी जरूरत है। तो एक्चुअली मैंने 50 मिनट इस पे बोला हुआ है अभी, चार पांच दिन पहले ही, संगम टॉक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वो संजय जी भी जानते ही होंगे। तो वहाँ पे, हाँ तो हाँ, और आपके भी बिल्कुल वहाँ पे टॉक्स होंगे, तो उन्होंने मुझे बुलाया था इसी चीज पे एक टॉक देने के लिए तकरीबन महीना भर पहले, लेकिन अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ये अपलोड किया है उनके यूट्यूब चैनल पे। तो वो पूरा का पूरा ये जो इकोसिस्टम क्या है, और राइट विंग इकोसिस्टम की जो बात, जब हम बात करते हैं तो उसके सामने हमारे क्या चैलेंजेस वगैरह हैं, वो मैंने बताया है काफी विस्तार में। तो किसी को विस्तार में समझने की जरूरत है तो वो संगम टॉक्स पे, राहुल रोशन संगम टॉक्स पे सर्च करके यूट्यूब पे जा सकते हैं। शॉर्ट में मैं वही बोलूंगा कि राइट विंग इकोसिस्टम, जो मैंने वहां भी बोला था कि बहुत 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 कई तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो तो कोई भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो है ना, जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम भी होता है उसको सस्टेन करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है,
जिसके बाद वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट बनते हैं, फूड चेन के थ्रू वो एनर्जी सबके पास जाती है। तो उसी तरह पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल सिस्टम को भी सस्टेन करने के लिए ये जो एनर्जी है वो दो तरीके की एनर्जी है, एक तो पैसे की और दूसरे पावर की। तो ये दोनों का रहना काफी जरूरी है। और वहीं पे मैं बहुत मान के चलता हूँ कि बीजेपी बहुत ज्यादा करे या ना करे, एक तरीके से पावर में रह के कम से कम एक इशू, एक एस्पेक्ट तो पूरा होता है, लेकिन बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है, जो एनर्जी घूमने का, पैसे का, सर्कुलेशन का, वो हमारी तरफ कम है, या यूं कहें कि बहुत ही कम है। तो और वो लेफ्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशंस ऐसे इवॉल्व हो चुके हैं कि वहां पैसा आना और पैसा सर्कुलेट होना वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेल शीट खोली जाती है और कहा जाता है कि हाँ अरे आज ये इस स्टैंड अप कॉमेडियन को 10 लाख देना है, ये जो बॉलीवुड की मोहतरमा है इसको 25 लाख भेजने हैं इस महीने, ऐसे ऐसे पैसे नहीं घूमते। क्योंकि वहां आपका इकोसिस्टम, वही तो इकोसिस्टम है कि जो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे से, वो इस तरह की बनी हुई है कि पैसे यहाँ से वहां आते ही रहते हैं। कि भाई आप बेवकूफ किस्म की होलोकॉस्ट मेमोरियल वगैरह को अच्छा कहो और प्रधानमंत्री के होलोकॉस्ट पे लोल और बोल करते रहो और अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते रहो, तो फिर आपको यहाँ से इनवाइट, वहां से इनवाइट आ जाएगा, अमेजन पर शो मिल जाएंगे, तो पैसे उधर से आते हैं। कोई कपिल सिब्बल आपको अपने पॉकेट से नहीं देता, लेकिन उनके लोग, या उनके लोग यानी उस विचारधारा वाले लोग, वो हर जगह ऐसे बैठे हुए हैं कि वो इकोनॉमिक लिंकेजेस बन जाते हैं। वो इकोनॉमिक लिंकेजेस हमारी तरफ नहीं है, बहुत कम है। अगर आप हमारी तरफ वाली बात करेंगे तो कितने सारे मतलब कहाँ वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमारी तरफ है ही नहीं। तो इसलिए जो भी छोटा मोटा हम एक दूसरे को हेल्प करके ये जो इकोनॉमिक लिंकेजेस जब तक हम बना नहीं पाएंगे, तब तक इकोसिस्टम का बनना तो बड़ा मुश्किल है। और वो धीरे धीरे ही बनेगा, क्योंकि एक तरीका यही है कि हाँ कोई धनाढ्य सेठ हो और वो ये सारा सेटअप करे, तो वो तो भैया होने से रहा। तो छोटे छोटे स्टेप्स ही हम लेके कर सकते हैं। और भी हैं, मतलब एक तरीके से एक ग्रैंड विजन की कमी जो है, अगर लेफ्ट लेफ्ट का या इस्लाम का या इवन कांग्रेस का भी अगर आप देखें तो एक ग्रैंड कॉमन विजन है। अगर कांग्रेस का ही देखें तो एक शॉर्ट बेवकूफाना विजन है कि हाँ हमें राज करना है, हमें खूब पैसे उठाने हैं। तो वो है, उनके पास 100 साल का हेड स्टार्ट है। चलिए अगला सवाल। और हेड स्टार्ट वाला तो खैर वो अपना है ही, शॉर्ट वो तो मेरी किताब में भी है कि भैया ये इकोसिस्टम इंदिरा गांधी या नेहरू का बनाया हुआ नहीं है, ये तो ब्रिटिश जमाने से ही है। कांग्रेस ने तो इनहेरिट कर रखा है, इसे इकोसिस्टम को बनाया नहीं था। तो वो ये सारे हैं, बहुत हैं, जैसा मैंने कहा। अगला सवाल ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, फिर रह जाएंगे नहीं तो फिर। हाँ बिल्कुल राहुल जी, डू यू थिंक घर वापसी के अलावा कोई और इलाज है फॉर स्टेबल इंडिया? लेफ्टिस्ट वर्सेस मुस्लिम्स, व्हाट डू यू थिंक इज मोर डेंजरस फॉर भारत? कूल डूड जी पूछ रहे हैं। हाँ ये अब सवाल तो ऐसा है कि भाई चैनल सस्पेंड होने का भी डर हो सकता है कि घर वापसी के अलावा क्या, लेकिन नहीं घर मतलब घर ऑब्वियसली बात चैनल सस्पेंड नहीं होती, तो हम रोज कहते रहते हैं, कोई खास बात नहीं। तो फिर आपने तो संजय जी ने बता ही दिया है, तो भाई वो एक तरीका है। लेकिन हाँ घर वापसी की उम्मीदें नहीं छोड़ सकते और उसकी तरफ हम कोशिश कर सकते हैं। और जो इनफैक्ट मैं दूसरा ही पार्ट जो है सवाल का वो करूंगा कि लेफ्टिस्ट वर्सेस मुस्लिम में क्योंकि आपने शब्द इस्तेमाल किया है मुस्लिम्स, तो मैं आज भी ये मानूंगा, मेरे पास कोई डेटा या नंबर तो नहीं है, लेकिन ये मेरा ये यकीन कह लें या स्वप्न कह लें या जो भी कह लें, कि मुझे लगता है कि इंडिया में मुसलमान इतने हैं जो आज भी इस्लामिस्ट मेंटेलिटी से उसमें वो पूरा उन पे घर नहीं कर गया है वो मेंटेलिटी। तो आज भी उस तरीके के मुस्लिम्स हैं जो कि थ्रेट नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट है वो तो आज एक बिल्कुल वोक बन गया है। अभी कोई शायद ही ऐसा कोई लेफ्ट होगा जो कि ओल्ड लेफ्ट वाली बात, जो कि सिर्फ इकोनॉमिक और इक्वालिटी और है ना सोशल इक्वालिटी, विमेंस राइट्स, इस तरह की चीजों की बात करे। लेफ्ट तो पूरा का पूरा वोक बन चुका है और वो
जहर है भाई। तो मेरे नजर में तो मुस्लिम वर्सेस लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस्लामिस्ट वर्सेस लेफ्ट में पूछेंगे तब तो मैं कहूंगा दोनों बराबर ही हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू ही हैं, दोनों बहुत, दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, इस्लामिस्ट और लेफ्ट में ऑलमोस्ट मिरर इमेज है एक दूसरे के। नेक्स्ट, चित्रगुप्त, एटलीस्ट कैन वी नो अबाउट परसेंटेज ऑफ मुसलमान्स हु वोट फॉर बीजेपी? बीजेपी का क्लेम है 7% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम्स, और मैं आपको बता सकता हूँ 7% में आपको कोई सुन्नी मुसलमान को इक्का दुक्का मिलेगा। ये मोस्टली शियाज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ द मुस्लिम्स पॉपुलेशन। ये मोस्टली आपको जो शिया हैं, ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश वाले जो शिया हैं, वो सुन्नियों से इतने परेशान रहते हैं कि वो बीजेपी को परेशान होकर वोट देते हैं, जिधर सुन्नी देंगे उसका उल्टा देंगे, इसलिए मिल जाता है। नेक्स्ट, कूल डूड, प्रणाम संजय सर एंड राहुल जी, डू यू थिंक आरएसएस हैज लॉस्ट इट्स वे कीपिंग इन माइंड द रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट इन 1925, या फिर आरएसएस में भी सुविधा लोभी लोग घुस गए हैं हैविंग देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट? नहीं, इसी इसी को तो यही सवाल था, कई लोग जो पूछ रहे हैं उसी के वजह से तो संजय जी ने ये टॉक रखा है, जिसमें मैं पर्सनली 100%, जैसा मैंने, जैसा इन्होंने खुद ही मुझे कहा कि मैंने संघ को अच्छी तरीके से डिफेंड कर दिया एक दो जगह पे, तो मैं तो 100% मैं ये नहीं मानता। लेकिन ये एक सवाल तो मेरे भी मन में रहता ही है कि जो हेडगेवार जी और इन लोगों को आप पढ़ें, और फिर आज के कुछ एक जो आज का नहीं, जैसा संजय जी ने भी बताया, पिछले 30 साल ऑलमोस्ट 90s के बाद से कुछ एक चीजें जो है उसमें विरोधाभास तो दिखती है, और ये सारी चीजें सीताराम गोयल जी ने भी उठाई हैं। और अब संघ कोई चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको अलग अलग मंच से अलग अलग तरीके से उनको ये इस पे अपना रुख रखना चाहिए। जी, नेक्स्ट, कृष्णा, सीरियन क्रिश्चियन ट्रीजन, क्रिश्चियंस वोट फॉर पाक, एम्स नॉट गोइंग टू पाक आफ्टर पार्टीशन चॉइस ओनली शोज दे आर हियर टू स्प्लिट अस मोर। इफ इंटेंट इज दैट कैन वी मर्ज दिस पॉपुलेशन इन मेन स्ट्रीम, देयर ऑर्डर कम्स फ्रॉम मदरसा। आई थिंक वी कैन टेक दिस एज एन ऑब्जर्वेशन एंड मूव ऑन, कोई क्वेश्चन तो है नहीं। यशस्वी भवेश कोटेचा जी कह रहे हैं, यशस्वी भारत में भागवत जी ने एक चैप्टर लिखा है, बदलना होगा समाज को आचरण, तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है? एक और सूडो सेक्युलरिज्म थोपा जा रहा है। अब ये चैप्टर में एग्जैक्टली क्या है, किस चीज से इनको प्रॉब्लम है, जब तक उसका कॉन्टेक्स्ट ना हो तब तक तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बदलना होगा समाज, ये तो एक्चुअली आरएसएस की, या फिर ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हम ये हमारी बात, मतलब हमारी जो टॉक थी इसमें आ नहीं पाया। लेकिन ये जो समाज सुधार या रिफॉर्म वाली जो चीज है, वो तो अधिकतर ये जो हिंदुत्व वाले जो लोग हैं, अधिकतर इसी विचार के थे, चाहे वो सावरकर हों या फिर संघ के लोग हों, ये तो अधिकतर रिफॉर्मिस्ट लोग थे। ये जो कई जो ट्रेडिशनलिस्ट कह लें, वो उस खांचे में ये नहीं बैठ पाते। तो अभी एक जो नियो राइट है, जिनका नया आर्टिकुलेशन है, उनमें से कई सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं। वो यूं कहें कि महात्मा गांधी में से अगर आप मुसलमानों के प्रति यूं कहें, क्या कहें, डिल्यूजन हटा दें अगर, तो अब महात्मा गांधी जो बच जाएंगे, तो एक भ्रम और तरीके से अनुराग। तो वो क्योंकि महात्मा गांधी भी बहुत हद तक ट्रेडिशनलिस्ट थे, लेकिन वो सारा गुड़ गोबर कर दिया उन्होंने, पता नहीं उनके दिमाग में किसने बिठा दिया कि है ना, वो खिलाफत और इस तरह के करके वो कुछ अचीव कर लेंगे, हिंदू मुसलमान एकता। तो वो वाली चीज अगर आप हटा दें, तो जो ट्रेडिशनलिस्ट वाली बात है, वो तो कई सारे एक्चुअली जो आपके कांग्रेसी लीडर्स हैं, चाहे वो कुछ हद तक तिलक वगैरह हो, उनमें भी आता है। और ये जो हिंदुत्व वाले हैं, ये तो हमेशा से एक तरीके से समाज सुधारक वाले रहे हैं, इनको इनको जाति प्रथा में ये बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते, चाहे वो सावरकर हो या फिर संघ के भी हो। ये तो लेफ्ट ने हमारे दिमाग में भर दिया था कि भाई ये ब्राह्मणों की संस्था है और ये वो, लेकिन अभी आप देखें तो ये कहाँ, अगर ब्राह्मणों की संस्था रहती तो ये कहते कि भाई रिजर्वेशन चलता रहना चाहिए। तो लेफ्ट ने इस तरीके की चीजें हम इनके बारे में पेंट की, फिर
फिर हमने कुछ इमेजिन कर लिया कि संघ और हिंदुत्व इस तरह के, हमने उसका प्रतिकार भी तो नहीं किया, आपने स्वयं कहा कि संघ ने प्रतिकार ही नहीं किया इसका, इन चीजों का तो लेफ्ट का तो आप जानते हैं, आप जब तक लेफ्ट के जूते नहीं मारेंगे तब तक काम ही नहीं चलेगा। अब वो जूते मारने का काम हम और आप कर रहे हैं, जो इनको स्वयं को करना चाहिए। राइट, तो जो तो मैं वही कर रहा कि जो एक तरीके से ट्रेडिशनलिस्ट जो नया जो एक आर्टिकुलेशन है वो तो संघ से कभी मैच करता ही नहीं है, वो तो एक बहुत पुराना, जो सीताराम गोयल जी की प्रॉब्लम्स थी वो आइडियोलॉजी और स्ट्रेटजी को लेकर थी, यहाँ तो बिल्कुल स्क्रिप्चरल और यू नो बिल्कुल सतही तो नहीं कहेंगे, रूट पे जाके जो प्रॉब्लम्स हैं कि भैया आपको वर्ण व्यवस्था और इन सब चीजों को लेके आपकी क्या स्टैंडिंग है, वहां पे तो एक्चुअली संघ और हिंदुत्व के लीडर्स बिल्कुल ही अलग आपको मिलेंगे, तो वो ट्रेडिशनलिस्ट तो थे ही नहीं, तो वो एक अलग ही चैलेंज है एक्चुअली। नेक्स्ट, कौशिक जी, प्रणाम संजय जी, राहुल जी। राहुल जी से निवेदन है, ट्विटर पर इतना मत लड़िए, कभी कभी समझ के बाहर चला जाता है, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप देखिए ये कई बार फेक लड़ाई लड़ते हैं, ये समझ जाया कीजिए। नहीं, कभी 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 नहीं, मुझे थोड़ा एक शॉर्ट टेम्पर का इशू तो है, लेकिन बहुत बहुत हाल फिलहाल में मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ट्विटर पे मुझे पता ही है किस लड़ाई की जिक्र कर रहे हैं वो, मुझे ध्यान नहीं है। वो अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ हो गई थी मेरी, बीफ पिक्चर्स वगैरह को लेके मोस्टली, क्योंकि अन्यथा तो मैं किसी से लड़ता नहीं, या तो मैं चीजें मजाक में ही उड़ा देता हूँ, या अगर कोई लेफ्ट वगैरह वाला है तो उसको थोड़ा इंसल्ट कर देता हूँ, और मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं, लेकिन उपाय यही है इंसल्ट करना, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। अभिजीत सुधाकर जी, थैंक यू। इन्होंने मेरा UPI आईडी डाल दिया। मिलिंद, संघ और सरकार का, हिंदू युवा वाहिनी, VHP, बजरंग दल, इन्हें सक्रिय कराने का कोई इरादा है या आगे भी ये चंदा ही एकत्रित करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। ये जो है असर्टिव और सपोर्टिव का एक मेजर ग्राउज है। नहीं तो इनको जब जब ये हिंदू युवा या बजरंग दल, तो अभी आप देख ही रहे हैं कानपुर में वो जो कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी तवलीन सिंह ने तो इंडिया को तालिबान ही घोषित कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खत्म हो गई है, और ये भी मुझे लगता है आतिश तासीर ने एक टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, डिवाइडर इन चीफ, आज हमारे बहुत काम आया उसका, एक कार्टून बना के चलाया जयपुर डायलॉग से, देखिएगा। और दूसरा ये हम पे भी डिपेंड करता है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी तो वो लोगों के सपोर्ट से ही बढ़ेगी, संघ आपके पास चंदा मांगने तो जाता नहीं, संघ के जो मेंबर्स होते हैं वो शाखा में जाते हैं, और मुझे लगता है उनसे कोई मेंबरशिप फी वगैरह भी नहीं ली जाती, मैं तो शाखा गया नहीं लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कोई ली नहीं जाती। तो ये चंदा वाला जो जाइब है वो तो मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से आता है, और दूसरा आप मैंने तो बहुत पहले ही कहा था जब ये मतलब मैंने कुछ कहा तो वो हो जाए ये मैं नहीं मान के चलता, मैं क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन ये मतलब ये मेरा विचार बहुत पहले से ही है कि जब ये दिल्ली में चांदनी चौक में जो दुर्गा मंदिर पे अटैक हुआ था और बजरंग दल के लोग उन्होंने प्रतिकार किया था उसका, तभी मैंने कहा था कि भैया अगर आपको लगता है कि ये हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं तो हम इनको हेल्प करें ना, बजरंग दल मतलब उनकी वेबसाइट भी कोई बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की है, कितना 2-3-5 लाख में एक ढंग की वेबसाइट बन जाएगी जिसपे सारे है ना, अभी अभी लोग बात करते करते आपको पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो बजरंग दल VHP को क्यों नहीं देंगे लोग, ऑब्वियसली देंगे, तो इन 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 जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको इनको हम ही रीच आउट करें, हम ही, मुझे पक्का यकीन है अभी जितने लोग सुन रहे होंगे उनमें से कुछ IIT वगैरह इनमें होंगे या उनको अच्छा वेबसाइट वगैरह बनाना आता होगा, वो जाकर पिच कर दें कि भाई बजरंग दल को कि हाँ हम तुम्हारा पूरा जो हर एरिया में जितने भी तुम्हारे है ना लोग हैं इसको एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ हम आपकी एक वेबसाइट बना सकते हैं, तो हमें आपको करना होगा, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन को हम चाहते हैं कि ये मजबूत बने तो हमें इनको हाथ बढ़ाना होगा, अगर आज ऑफ इंडिया इस लेवल पे पहुंचा है तो इसी के कारण कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि बजरंग दल VHP
ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करें, और फिर क्यों हम संघ की तरफ मुंह देखें कि भाई ये क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे, हम और आप आगे बढ़ा सकते हैं इनको। जी वेरी वेल पुट, और इसी के साथ हमारे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी संघ की शाखा का समय निकाल के हमारे साथ आना स्वीकार किया। थैंक यू, जो जो लोग भी आज स्वतंत्रता दिवस के दिन टाइम निकाल के आए हैं सबका धन्यवाद। तो फिर से हम जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, संघ का नारा लगाएंगे आज। वंदे मातरम।